अभी कुछ ही दिन पहले मैंने 50,000 से 60,000 वाले गेमिंग लैपटॉप की वीडियो डाली है। आफ्टर दैट जो अपना बजट बनता है दैट इज फ्रॉम 60,000 टू 70,000 रुपीस। एक चीज समझ लो कि आपने 11 जनरेशन का प्रोसेसर बाय नहीं करना। मिनिमम अगर हम इंटेल की बात करें तो 12 जनरेशन का प्रोसेसर बाय कर सकते हो और या फिर उससे बेटर। एंड AMD की राइजन में 5000 सीरीज बाय कर लो या फिर उससे बेटर। लैपटॉप में 16 GB की रैम कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो अगर आप 8 GB रैम वाला मॉडल बाय कर रहे हो ना तो एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि उसके अंदर आपको रैम एक्सपेंडेबल का ऑप्शन मिले। मान के चलो कि गेमिंग लैपटॉप की जो रैम होती है ना वो 32 GB तक तो एक्सपेंडेबल होनी चाहिए और डिस्प्ले होनी चाहिए 120 और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली। नो हार्ड डिस्क, ओनली चूज NVMe SSD लैपटॉप्स। देखो एकदम ही बेसिक बजट से स्टार्ट करते हैं। 60,000 के अंदर सबसे बेस्ट लैपटॉप बताता हूँ आपको, Acer Aspire 5। बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है, Amazon पे वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। आराम से इसके ऊपर आप लाइट 4K एडिटिंग कर सकते हो और फुल HD की बात करें तो वो तो एकदम ही स्मूथली होती है। एंड इसके ऊपर आपकी सारी गेम्स चल जाती है। टॉप लिड एल्यूमिनियम की बैक साइड प्लास्टिक है। 60,000 रुपए इसका करंट प्राइस है। अब इसके अंदर आपको मिल जाता है P सीरीज का प्रोसेसर, इंटेल कोर i5 1240p, 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने है। देखो एक तो आपको लैपटॉप के अंदर 16 GB की रैम मिल जाती है DDR4 3200 MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB। साथ में 512 GB की SSD है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब ये लैपटॉप है फुल साइज डिस्प्ले वाला, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले मिलेगी आपको लैपटॉप में। 60Hz का रिफ्रेश रेट है, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। आई नो सिर्फ इसके अंदर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, बट ये लैपटॉप उनके लिए जिनको गेमिंग तो करनी है बट उन्हें अपने लैपटॉप को थोड़ा बहुत प्रोफेशनली भी यूज करना है तो ये आपके लिए एकदम ही परफेक्ट रहेगा। NVIDIA GeForce RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया लैपटॉप में, 4 GB वाला GDDR6 VRAM, TGP 35W है, CUDA कोर 2048 है। अब इसके ऊपर जो आपकी गेम्स है ना, GTA खेल सकते हो, Valorant खेल सकते हो, Battlefield 5 होगी, Call of Duty होगी एंड Cyberpunk। सभी गेम्स के बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने 2050 के, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से चेक कर सकते हो। MS Office देखो वैसे तो आपको गेमिंग लैपटॉप के अंदर मिलता नहीं है बट इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल दिया गया 1 वीक ट्रायल वर्जन पे, Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 दिया गया, 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में एंड इसके अंदर आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट मिल जाती है। बैकलिट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया, तो आपने इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करना है। देखो सिंपल चीज है कि इस टाइम पे ना ऐसा लैपटॉप अगर चाहिए जिसके ऊपर आपकी गेमिंग भी हो जाए थोड़ी बहुत एंड उसी के साथ ही आपको प्रोफेशनल लुक वाला लैपटॉप चाहिए ना, गो विद दिस लैपटॉप, ये आपके लिए एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला लैपटॉप HP का HP Victus, 65,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। अब इसमें हमें मिल जाता है Ryzen 550 600H, 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। प्रोसेसर के स्कोर्स काफी बढ़िया है, 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप के अंदर DDR4 3200 MHz वाली, 512 GB की SSD है, बट इसकी जो SSD है ना वो आपको मिल जाती है Gen 4 SSD। ये Gen 3 SSD नहीं है, Gen 4 SSD है, which is faster as compared to older version of SSD। इसकी स्टोरेज एक्सपेंडेबल है, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाएगी आपको, 9 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है, 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4 GB वाला, 75W TGP, CUDA कोर 2048। देखो सिंपल चीज है कि 65,000 के आपको लैपटॉप के अंदर ना 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप के ऊपर सब कुछ कर सकते हो। बहुत ही पावरफुल GPU है। इस बजट में ना आपको बाकी ज्यादातर लैपटॉप के अंदर 1650 मिलता है। सारी गेम्स एकदम ही स्मूथली चलती है इसके ऊपर, वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हो। MS Office आपको 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा, Wi-Fi 6E के साथ ही ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, बिल्ट इन एलेक्सा एंड बैकलाइट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है, तो आपने इसे भी जरूर कंसीडर करना, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस टाइम पे, गो फॉर इट। अब ये लैपटॉप है लिनोवो का IdeaPad गेमिंग 3 लैपटॉप। देखो इसका जो प्राइस है ना वो फ्लक्चुएट होता रहता है, इसका जो करंट प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 73,000 रुपीज, बट नॉर्मली लैपटॉप आपको अंडर 70,000 के बजट में ना इजिली मिल जाएगा। सबसे पहली चीज के ये लैपटॉप आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ मिलता है, विच सिंपली मींस के इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो बाकी सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर है। इसके ऊपर काफी ज्यादा कंपनी ने टेस्टिंग ऑलरेडी कर रखी है बिल्ड क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए। एंड ऊपर से i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया, 12 450H, बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने है। अभी तक के हमने जो दोनों प्रोसेसर देखे ना उन दोनों में से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। 16 GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में DDR4 3200 MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB, साथ में 512 GB की SSD, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। फुल साइज डिस्प्ले मिल जाएगी आपको लैपटॉप में, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 45% NTSC एंड 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया। देखो इसके अंदर भी आपको 3050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4 GB वाला, 85W TGP, इसकी 2048 इसके CUDA कोर का। अब इसकी TGP ज्यादा है तो ये थोड़ी बेटर आउटपुट देगा विक्टस के कंपैरिजन में, ओके? MS Office 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के
साथ में इसके अंदर भी दिया गया, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अब एक चीज है देखो, इसके जो आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं ना वो बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले 4-Zone वाइट बैकलेट कीबोर्ड मिल जाएगा आपको लैपटॉप के अंदर, ई कैमरा शटर दिया गया, एक्सबॉक्स गेमिंग पास मिल जाता है 3 महीने की सब्सक्रिप्शन के साथ, एंड ये लैपटॉप रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। 50% बैटरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है लैपटॉप की, तो आपने इसे भी जरूर कंसिडर करना, वन ऑफ दी बेस्ट सेलिंग लैपटॉप है, गो फॉर इट। अगला भी लैपटॉप है HP का विक्टर्स गेमिंग लैपटॉप। देखो इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 71,000 रुपीस। लैपटॉप के अंदर आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाती है, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS एनटी ग्लेयर, 9 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC, एंड इसमें भी आपको सेम प्रोसेसर दिया गया i5 का 12450H। देखो जो भी आपको इंटेल के इस बजट के अंदर लैपटॉप मिलती है ना उनके अंदर आपको मोस्टली यही प्रोसेसर देखने को मिलेगा, एंड एक्चुअली टोटली वर्थ इट प्रोसेसर भी है इस प्राइस पे। 16 GB की रैम मिल जाएगी आपको लैपटॉप में DDR4 3200 MHz वाली, विच इज एक्सपेंडेबल टू 32 GB। साथ में इसके अंदर आपको मिल जाती है 512 GB की SSD, Gen 4 SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। ग्राफिक कार्ड इसके अंदर भी आपको दिया गया 3050 4 GB वाला GDDR6 75W TGP, MS Office 2021 lifetime, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, Xbox का गेमिंग पास सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा लेकिन ये 1 महीने के साथ मिलेगा, फुल साइज बैकलेट कीबोर्ड है एंड बिल्ट इन Alexa की सपोर्ट आपको इसके अंदर भी मिल जाती है। तो ये भी लैपटॉप एक्चुअली काफी बढ़िया, आपने इसे भी जरूर कंसिडर करना है। नाउ दिस इज Asus TUF-F15 लैपटॉप। देखो आप में से जिसे भी टोटली हार्डकोर गेमिंग करनी है ना अपने लैपटॉप के ऊपर, आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। ये सेम स्पेसिफिकेशन ना आपको किसी भी 75 से लेके 80,000 के लैपटॉप के अंदर मिलते हैं। इस लैपटॉप के अंदर देखो सबसे पहली चीज के आपको 8 GB की रैम मिल जाती है। आई नो कि बाकी सभी लैपटॉप आपको 16 GB की रैम के साथ मिलते हैं, बट इसके अंदर 8 GB की रैम है। उसका एक रीजन है कि इसकी रैम लेटेस्ट है, DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, एंड अगर आपने सेम लैपटॉप के अंदर 16 GB की रैम के साथ लैपटॉप बाय करना है ना तो उसका भी लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा, तो आप उसे चेक कर लेना। इसका जो यूजुअल सेलिंग प्राइस है दैट इज अराउंड 72,000 रुपीस। आई नो कि 2,000 रुपए इसका प्राइस ज्यादा है, बट टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। टॉप लिड मेटल की अरेस्ट प्लास्टिक है, सेम प्रोसेसर दिया गया i5 12450H, 512 GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाएगी आपको लैपटॉप में, फुल एचडी IPS, 250 निट्स की ब्राइटनेस, 45% NTSC एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। RTX 3050 ग्राफिक कार्ड 4 GB वाला, TGP 75W है, Quad Core 2048, 2021 MS Office लाइफटाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। सारी नेसेसरी पोर्ट्स है लैपटॉप में, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी मिल जाती है। टोटली बेस्ट लैपटॉप है, सिंगल व्हाइट कलर बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया इसके अंदर, तो आपने इसे भी जरूर कंसीडर करना है। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यार दीज आर दी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप जो कि आपको 60,000 से 70,000 के प्राइस पॉइंट के अंदर मिल जाते हैं। देखो जितने भी लैपटॉप मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए ना वो सभी के सभी लैपटॉप एकदम वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स हैं। आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो, सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड परफॉर्मेंस की फुल गारंटी है कि इस बजट के अकॉर्डिंग ना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इन्हीं लैपटॉप्स के अंदर मिलती है। एंड इन केस अगर आपकी फिर भी कोई भी क्वेरी रह गई है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज जरा इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।